वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही क्रिस्पी जलेबी की रेसिपी जो हमने बहुत ही इंस्टेंट तरीके से ज़रा में 5 मिनट्स में बना ली है। आइए हम आपको बताते हैं हमने इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं। मेरी रेसिपी को देखने के लिए वीडियो आप पूरा देखें। सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे और इसमें हम एक कटोरा मैदा डालेंगे। मैदा हमारा 50 ग्राम के करीब है और इसमें हम 2 चम्मच हम दही डालेंगे। ये हम दही ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे, ये देख सकते हैं आप, और थोड़ा सा हम फूड कलर ऐड करेंगे, ऑरेंज फूड कलर, और हम ये सब चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ये मैंने अच्छे से इसको बीट कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, हमको बस इतनी ही रखनी है। और इसको अब हम 5 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे जब तक हम चाशनी में बना लेते हैं। यहाँ हमने बर्तन चढ़ा दिया है गैस पर चाशनी के लिए। यह हमने शक्कर ले ली है इसमें और थोड़ा सा हम पानी रखेंगे। हम एक तार की चाशनी बनाएंगे। हम एक तार की चाशनी बनाते हैं जब तक चाशनी हमारी रेडी हो गई है, जब तक हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे 1/2 स्पून और हमें एक तार की चाशनी चाहिए बिल्कुल इसी तरह से। और हम अब गैस बंद कर देंगे और ये हमने जो लेमन स्क्वीज करके रखा है 1/2 स्पून 1/2 टीस्पून ये भी मैंने इसमें डाल दिया है ताकि हमारी चाशनी की कंसिस्टेंसी अच्छी रहे और जमे नहीं ये। अब हम इसको हटा देंगे और कढ़ाई चढ़ाएंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें मैंने घी डाल दिया है जब तक हमारा कढ़ाई गर्म हो। ये मैंने इसमें हम जो हमने अपना बेटर रेडी करा है हम ये इसमें डालेंगे। ये मैंने कोन रेडी करके रखा है हमारा जलेबियों को डालने के लिए। अब इसमें हम मसाला डालेंगे इसका जलेबी का। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें बेटर डालेंगे। ये मैंने इसमें बेटर डाल दिया है और इसको मैंने थोड़ा सा नीचे से इसकी नोक काट दी है ताकि हमारी जलेबी परफेक्ट हो। देखिए हम जलेबी डालना शुरू करते हैं। हम इस तरह से हमें डालते जाना है। आपको छोटी बड़ी जैसी भी डालनी है आप डाल सकते हैं इस तरह से। देखिए हमारी परफेक्ट जलेबी गल गई है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। हमारी जलेबियाँ दोनों साइड से हो चुकी हैं। अब हम एक एक करके इसे चाशनी में डालते जाएंगे। अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं। अब हम यहाँ दोबारा डालते जाएंगे। और जब तक हम 2 मिनट बाद हम इसको निकालते जाएंगे। 2 मिनट के लिए ही रखेंगे हम इस चाशनी में। हमारी जलेबियाँ परफेक्ट हो गई हैं चाशनी में। 2 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं रखना है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। इसी तरह से हम और रेडी कर लेंगे। हमारी सारी जलेबियाँ हमने निकाल ली हैं और सारी बनके तैयार हो गई हैं।
बहुत ही इंस्टेंट तरीके से हमने आपको जलेबी बनाना बताया है। बहुत ही इजी रेसिपी है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन साथ ही दबाएं ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन मिलती रहे।